ये भी 3 बेड है गाइस, जैसे कि 2-3 महीने पहले मैंने शिमला के अंदर चीपेस्ट स्टे का वीडियो बनाया था और उस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको गुरुद्वारा साहब और जो धर्मशाला थी दोनों का कंपैरिजन बताया था। मैंने आपको बताया शिमला गुरुद्वारे में फ्री में कैसे रह सकते हैं और धर्मशाला में भी मैंने आपको 60 रुपीज में डोमेट्री दिखाया था। तो आज के वीडियो में मैं मसूरी गुरुद्वारा साहब का और मसूरी मंदिर का जो कि बिल्कुल साथ साथ है, मॉल रोड पे ही है, आप मॉल रोड पे ही रह सकते हैं मसूरी के अंदर बहुत सस्ते में गाइस, आपको गुरुद्वारा साहब भी लेके चलेंगे, हम आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी लेके चलेंगे जो कि मॉल रोड के पास ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था मंदिर के हम आपको अंदर से रूम भी दिखाएंगे। वहां पे आपको डबल बेडरूम चाहिए हो, ट्रिपल बेड चाहिए हो, फैमिली रूम चाहिए हो, सब तरीके के रूम गुरुद्वारा साहब में भी है, मंदिर में भी है। गुरुद्वारा साहब में आपको हॉल मिल जाएगा जहाँ पे आप 100 रुपीज में रह सकते हैं, सोलो ट्रेवलर है आप अकेले रह सकते हैं, आपको बिस्तर मिल जाएगा, इसके 50 रुपीज चार्ज होते हैं, आपको रजाई वजाई सब मिल जाएगी। गाइस हम बात करेंगे वीडियो के अंदर बुकिंग की कि आप कैसे बुक कर सकते हैं गुरुद्वारा साहब के और मंदिर के जो रूम है उनकी बुकिंग के बारे में बात करेंगे। गाइस हम बुकिंग के साथ साथ हम बात करेंगे रूल एंड रेगुलेशंस की कि गुरुद्वारा साहब के क्या रूल एंड रेगुलेशंस है, मंदिर के क्या रूल एंड रेगुलेशंस है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है अगर आपको यहाँ पे बहुत सस्ते में रहना है। बात करेंगे हम टाइमिंग की कि लास्ट टाइम आप लेट नाइट अगर घूम के आते हैं तो लास्ट एंट्री आपकी कितने बजे तक हो सकती है। गाइस मैं हूँ रोमी और आप देख रहे हैं रिस्की रूट विद रोमी। तो गाइस हम लाइब्रेरी चौक मॉल रोड पे हैं और रहने के लिए सबसे परफेक्ट लोकेशन यही है, ये एक मॉल रोड का पॉइंट है, सामने आप देख सकते हैं गुरुद्वारा साहब आपको दिख रहे हैं और यहीं पे पास में ही मंदिर है, हम आपको पास लेके चलते हैं, मॉल रोड पे ही आप रहने वाले हैं बहुत ही सस्ते में, ये आप देख सकते हैं मॉल रोड से ही हमने गुरुद्वारा साहब आपको दिखाए हैं और इसके साथ में ही बिल्कुल मंदिर बना हुआ है, वहां पे भी आप रह सकते हैं। ये आप सामने आपको मंदिर दिख गया होगा, ये जो बुलडोजर है ये रोपवे का काम जो चल रहा है, मेट्रो जो रोपवे का स्टेशन बन रहा है उसके लिए यहाँ पे काम हो रहा है। अभी हम आपको पहले गुरुद्वारा साहब लेके चलेंगे, वहां पे रूम्स के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपको मंदिर के रूम्स भी दिखाएंगे। तो चलते हैं पहले गुरुद्वारा साहब, आप पहले गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर लीजिए। ऊपर जो मेन है वहां पे गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं, नीचे रूम्स बने हुए हैं, मंदिर में भी सेम ऐसा ही है, ऊपर मंदिर बना हुआ है और नीचे वहां पे रूम्स बने हुए हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं, आप गुरुद्वारा साहब के दर्शन कीजिए और हम साथ साथ आपको बताएंगे कि यहाँ पे रहने के लिए आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी मंदिर में भी और गुरुद्वारे में भी, और यहाँ पे आने की लास्ट टाइमिंग क्या है, आप कितने बजे तक रात को यहाँ पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप गुरुद्वारा साहब में रहते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी नशे की चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए जो कि प्रतिबंधित है, मंदिर में भी आप सेम ऐसा ही करिए जैसा कि गुरुद्वारा साहब में है। और अब बात करते हैं टाइमिंग की कि आप रात को यहाँ पे कितने बजे तक आ सकते हैं। तो गुरुद्वारा साहब के जो गेट हैं 10:30 बजे तक खुले होते हैं, उसके बाद यहाँ पे एंट्री नहीं होती। कई बार आप आ सकते हैं लेकिन आप कोशिश करिए कि आप 10:30 से पहले पहले वापस यहाँ पे आ जाए, और वैसे भी 9 बजे के बाद जो मॉल रोड है सुनसान हो जाता है तो आपके पास इनफ टाइम होता है, 10:30 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है, तो आप 10:30 बजे तक आराम से आ जाते हैं, हम आपको नीचे लेके चलते हैं। ये देखिए ये हॉल है और यहाँ पे आप 100 रुपीज में रह सकते हैं और आप यहाँ से नज़ारे देखिए कि पूरी यहाँ से वैलीज हैं, साफ नजर आती हैं और यहाँ से आपको देहरादून का व्यू भी रात को नजर आएगा पूरा जगमगाता हुआ, और आप यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज दे के इस हॉल में स्टे कर सकते हैं अगर आप सोलो ट्रेवलर हैं तो। और आपको जो गद्दे बिस्तर हैं वो भी मिल जाएंगे, सराहने वराने तकिया इसको बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिसका कि 50 रुपये चार्ज होता है, यानी कि आप 150 रुपये में यहाँ पे पूरा आराम से रह सकते हैं। साथ में ही बाथरूम वगैरह बने हुए हैं तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अगर आप बजट ट्रेवलर हैं तो आप यहाँ पे संडे को यहाँ पे लंगर भी होता है जो कि 10 से 11 बजे के बीच में होता है, तो आप यहाँ पे लंगर भी चख सकते हैं, और चाय जो है चाय रोज शाम को यहाँ पे आपको 5 बजे पीने के लिए मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, हम आपको यहाँ ले आए हैं, ये रूम देख सकते हैं जैसे कि एक बहुत ही बढ़िया 3-स्टार होटल्स में रूम बने होते हैं बिल्कुल वैसे ही है, नीचे मार्बल पत्थर लगाया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया है, और जो रूम्स हैं वो भी काफी बढ़िया हैं। यहाँ पे हमने बात की थी कोई भी रूम खाली नहीं था, सारे के सारे ऑक्यूपाइड थे। तो हम आपको मंदिर के रूम्स भी दिखाएंगे, वहां पे आप देख लीजिएगा सेम वैसे ही रूम है, थोड़े यहाँ पे बढ़िया बने हुए हैं मंदिर से। तो हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे कब तक आना होगा कि आपको रूम मिल जाए। अगर आप यहाँ पे सीजन में आते हैं तो आप कोशिश करिए कि जैसे अप्रैल मई है तो आप यहाँ पे 11 बजे तक 10 से 11 बजे के बीच में आ जाइए तो आपको रूम मिल जाएगा, अदरवाइज अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आप जब मर्जी आइए आपको यहाँ पे रूम मिल जाएंगे। अभी हम आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर ले चलते हैं,
ये देखिए साथ में ही है गुरुद्वारा साहब के, यहाँ पे भी रूम जो है नीचे बने हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर मंदिर है, हम आपको रूम अंदर से दिखा देते हैं। ये भी 3 बेड है, कितना इसका? 600 रुपए। और जो 2 बेड है उसका 500। 2 बेड का 500, ऊपर 400 रुपए लिखा हुआ था। अच्छा उसमें बाथरूम अटैच नहीं है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा ये 3 बेड वाला रूम है, इसके 600 रुपए चार्ज है, और जो डबल बेड वाला है उसके 500 रुपए चार्ज है, और एक और डबल बेड वाला है उसके 400 रुपए चार्ज है, लेकिन उसमें ये बाथरूम नहीं मिलेगा आपको। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप बाथरूम वाला ही लीजिए, क्योंकि रात को ठंड होती है, आपको बाथरूम के लिए जाना पड़ सकता है। तो आप अगर आप नहीं चाहते, आपको अगर वैसे चाहिए तो आप 400 रुपए में डबल बेड वाला भी ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल होता है। अब बात कर लेते हैं बुकिंग की। तो गाइस मंदिर का और गुरुद्वारे के जो रूम्स हैं वो आपको यहाँ पे आके ही बुक कराने होंगे, इनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। तो गाइस आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।